वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। वैसे तो मटर पनीर जो है सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, पर जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मटर और पनीर का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत ही डिलीशियस है। तो इस मटर पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जो है पनीर लिया है। इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। मटर लिया है मैंने 150 ग्राम ही। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। और इसको हल्का सा हम जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है इसे, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए जब तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, बस इतना ही फ्राई करना है हमें कि हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ऐसे रफली काट लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाए। इसके साथ ही मैं ये मैंने 4 छोटी वाली मिर्च थी हरी वाली, इसको मैंने ऐसे रफली काट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो उसकी टमाटर प्याज की प्योरी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर ऐसे प्योरी बनाने से इसका जो टेस्ट है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में आता है, बहुत ही अच्छी प्योरी बनकर तैयार होती है। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते जब तक हम इसे चलाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। हमें बिल्कुल सॉफ्ट इसको नहीं करना है, क्योंकि हमें इसकी प्योरी बनानी है मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर। तो आप देख सकते हैं अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के बाद इसकी प्योरी बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर। प्याज टमाटर की मैंने प्योरी बनाकर तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है। पर प्योरी बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमारे जो प्याज टमाटर है जब ठंडे हो जाए तभी हमें उसकी प्योरी बनानी है, इससे पहले हमें नहीं बनानी। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच जो है ऑयल के डाले हैं बड़े वाले। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब मैंने 1 चम्मच जो है जीरे का ऐड किया है। जीरा हमारा तड़कने लग जाए तो इसमें मैं मिर्च, ये अपने स्वाद अनुसार आप ऐड करें, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी आपने ऐड करी है तो इसे देख के डालिएगा, और कुछ नहीं डालना है इसमें। इसके बाद जो प्योरी हमने बना के रखी है वो इसमें ऐड कर दें। इसमें अभी हल्दी ऐड नहीं करनी है हमें। प्योरी डालने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हमें जब तक इसे भूनना है जब तक हमारा जो ऑयल है वो उसके ऊपर ना आ जाए और ग्रेवी जो है हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। जो हमारी ग्रेवी है उसको मैंने ऐसे ढककर 4-5 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से ऑयल छोड़ दे और उसका कलर भी चेंज हो जाए। अब मैं देखती हूँ कि हमारी जो ग्रेवी है कैसी बन रही है। अब मैंने गैस को सेव करा है, आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी का कलर है बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है और ग्रेवी भी हमारी आधी रह गई है। अब मैं इसमें जो मैंने मटर और पनीर रखे हैं ना वो ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रोजन पनीर ऐड लिया है, आप अगर फ्रेश पनीर लेते हैं तो उसको बाद में ऐड करिएगा। इसी तरह मैंने मटर भी फ्रोजन लिया है, दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ से मसाले के अंदर। मैंने पनीर और मटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, 1-2 मिनट के लिए चला लिया, जिससे हमारे जो मटर पनीर है वो सब मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने ये अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, मैंने हल्का सा ज़्यादा पानी ऐड करा है, मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि एक तो हमें मटर को भी पकाना है, मटर पनीर को पकाना है, और दूसरा इसमें थोड़ी ग्रेवी भी छोड़नी है। तो अब इसको ढककर 4-5 मिनट के लिए पकने दूंगी, जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो
वो अच्छे से मटर पनीर में मिक्स हो जाए। 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लीड उठाकर देख लेती हूँ कि हमारी जो सब्ज़ी है वो कैसे बनी है। अब मैंने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है, लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं सब्जी में से ऑयल सरफेस होना शुरू हो गया है ऊपर। अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ उसमें। आप इसमें कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसमें वो ऐड नहीं कर रही हूँ। जब आपने प्याज टमाटर को फ्राई किया था ग्रेवी बनाने के लिए तो उस टाइम आप काजू भी इसमें ऐड कर सकते थे, पर मुझे देसी स्टाइल के मटर पनीर ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें काजू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। कसूरी मेथी, काजू कुछ भी ऐड नहीं करा है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्ज़ी बनाई है, आप एक बार देखिएगा इसे बनाकर, तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। अब मैं 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी इसे, जिससे हमारा जो गर्म मसाला है वो अच्छे से इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड ढककर देख लेते हैं कि हमारी जो सब्ज़ी है वो कैसी बनी है। मैंने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है, लीड को एक तरफ रखा है। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी जो है कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। आप देख सकते हैं ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली गाढ़ी रख सकते हैं, पर मुझे इसी तरह की ग्रेवी पसंद है। इतनी पतली मुझे अच्छी लगती है क्योंकि पराठे वगैरह के साथ ईजी वो खाई जाती है। और फिर दूसरी बात, जब हम पनीर को रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो अपने आप ही उसकी ग्रेवी है गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर रही हूँ और इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। इसे आप चपाती, पराठे, नान, चावल, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं बनाकर। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जैसे काजू वगैरह या फिर कसूरी मेथी कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसे मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। एक बार आप इस तरह से मटर पनीर की सब्जी को बनाकर देखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी। अगर आपको मेरी मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।